आज हम बात करते हैं अमेरिका के सान फ्रांसिस्को स्टेट में स्थित अल्कट्रोज आइलैंड की। 1934 में अमेरिका में अपराध अपनी चरम सीमा पर था। मर्डर, रेप, किलिंग, एक्सट्रॉशन और कई तरीके के ऑर्गेनाइज क्राइम हर दिन आम बात थी। दूसरी तरफ अमेरिकी सरकार ने अपने इस द रॉक को भुला दिया था। शहर में जितने भी जेल थे, सारे जेलों से अपराधी भागने में एक्सपर्ट हो चुके थे। सरकार ने इन्हीं क्रिमिनल्स को कंट्रोल करने के लिए अल्कट्रोज आइलैंड पर एक प्रिजन बनाया। इस प्रिजन को इतना सिक्योर बनाया गया था कि जेलों से भागने में पीएचडी कर चुके अपराधी भी नहीं भाग सकते थे। अपराधियों को बंद करने के लिए कमरों के दरवाजे मोटे स्टील रॉड के बनाए गए थे और किसी तरह अगर वो उनसे निकल भी जाते तो चप्पे चप्पे पर स्ट्रैटेजिक गार्ड टावर भी बनाए गए थे, जिस पर 24 घंटे स्नाइपर्स अपनी लॉन्ग रेंज स्नाइपर गन का मुंह खुला रखते थे। और यदि ये अपराधी किसी तरीके से दिन भर में 12 बार होने वाले सिक्योरिटी चेक, मोटे स्टील रॉड और सारे वॉच गार्ड्स को धोखा दे भी देते थे तो प्रशांत महासागर की हार्ड खून को बर्फ बना देने वाली थपेड़ों से बचना नामुमकिन था। 1934 से 1963 तक 14 कैदियों ने 56 बार भागने की कोशिश करी। ये सारे या तो पकड़े गए या फिर प्रशांत महासागर ने इन्हें लीन लिया। लेकिन तीन ऐसे कैदी हुए जो सारे मुश्किलों को और शायद मौत को चकमा देकर गायब हो गए। हम इस द रॉक और अमेरिकी एजेंसी एफबीआई की अकड़ को चकनाचूर करने वाले इन तीन कैदियों की कहानी आप तक जल्द ही लेकर आएंगे। हम इस द रॉक और अमेरिकी खुफिया एजेंसी एफबीआई की अकड़ को चकनाचूर करने वाले इन तीन कैदियों की कहानी जल्द ही आपके लिए लेकर आएंगे। आप वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय।